नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मऊगंज जिले के खटखरी में मेडिकल स्टोर में लगी आग, दुकानदार की माने तो उनका हुआ करोड़ों का नुकसान। लगभग 1 करोड़ के आसपास का नुकसान दुकानदार बता रहे हैं। दुकान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। दुकान मऊगंज जिले के खटखरी बाजार में दवाई की दुकान थी, जहां पर बीती रात दुकान में आग लग गई। वहां से निकल रहे एक ट्रक ड्राइवर ने आग को देखा, ट्रक खड़ा करके आसपास के लोगों को जगाया। उसके बाद आग बुझाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। आग जब तक बुझती तब तक दुकान के अंदर रखा हुआ पूरा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। दुकान का नाम साक्षी मेडिकल स्टोर बताया गया है। दुकान खटखरी में है। बीती रात दुकान मालिक दुकान बंद करके रोज की तरह अपने घर चले गए थे, ऐसा कहना है दुकान के मालिक ब्रजकांत शर्मा का, जो धर्मपुरा खटखरी के रहने वाले हैं। बीती रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच आग लगी। ट्रक ड्राइवर ने मकान से आग जलती हुई देखी, तत्काल उसने ट्रक को खड़ा किया, आसपास के लोगों को आवाज दी, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड काफी देर से पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है लगभग 1 से 1.5 घंटे तब तक स्थानीय लोगों ने अपने ही पंप से पानी का इंतजाम किया, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। फायर ब्रिगेड आने के बाद आग बुझी और उसके बाद जब अंदर प्रवेश करके लोगों ने देखा तो सामान पूरी तरीके से जल गया था। यही नहीं, दीवार का प्लास्टर भी जलकर नीचे गिर गया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है दुकान में आग किस तरीके से लगी थी। हमने दुकान मालिक से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ब्रजकांत शर्मा निवासी धर्मपुरा। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान 1 करोड़ से ऊपर का हुआ है। आग कैसे लगी? मैं 9 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला गया। रात में 4-4:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। संजीव गुप्ता खटखरी के द्वारा मेरे घर जा कर के बताया गया कि आपके दुकान में आग लगी है। मैं आया तब तक मैं बहुत सारा नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दिया, 1 घंटे लेट से आए। इसके बाद आग बुझाई गई, तब तक पूरा मकान दुकान सब सामान जलकर राख हो गया था। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।